सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज डॉक्टर वारुण शर्मा एंड आई बीन अ टीचर एंड एजुकेटर ऑन अकेडमी फॉर द पास्ट फेब्रुवरी एंड आई हैव ट्रेन सिविल सर्विस स्टूडेंट्स सम 500 ऑफ देम फॉर द पास्ट 2 years। दिस इज माय लिंक, यू कैन फॉलो मी ऑन अकेडमी ऑन दिस लिंक, ठीक है। एंड आई हैव अपीयर फॉर यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू वंस एंड थ्राइस फॉर आरएएस इंटरव्यू एंड आई विल बी गिविंग पर्सनल गाइडेंस to strategically prepare for RAS exams, specially for RAS exams in English medium. Okay, so this is about me. Now moving further to the more important part, which is today's topic, that is the cultural life of medieval Rajasthan. अब देखिए, हमने इससे पहले वाला जो क्लास हुई थी मेरी परसों, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था जो आपकी सोशल लाइफ थी, कैसे परिवार यहाँ पे राजस्थान में किस तरह से रहते थे, संयुक्त परिवार थे और जॉइंट फैमिली सिस्टम पूरा सब जगह मौजूद था, उसके अंदर कौन पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पूरा मेल डोमिनेंट सिस्टम था, तो वो सारी चीज़ डिस्कस करी थी हमने और स्त्रियों की दशा वगैरह सारी चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी थी। सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा कल्चरल लाइफ और मेडिवल राजस्थान रहेगा। फिर कल हम इसकी इकोनॉमिक लाइफ और मेडिवल राजस्थान करेंगे। तो जो मेडिवल राजस्थान का जो टॉपिक था आपके कोर्स में दिया हुआ है वो पूरा उस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसमें उस कल की इकोनॉमिक लाइफ के अंदर हम और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसके अंदर कौन कौन से टैक्सेस लगाया करते थे, कौन कौन से बिजनेसेस थे और ये सारे पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम करेंगे कल्चरल लाइफ जिसके अंदर कौन से धर्म वहाँ पे मौजूद थे उस वक्त और क्या क्या प्रभाव रहा था लोगों पर, खान पान कैसा था, उनका रहन सहन, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ आज पढ़ने वाले हैं। एंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन अन अकेडमी। सो आई थिंक यू शुड ज्वाइन अन अकेडमी प्लस। उससे फायदा क्या होगा, यू विल बी गेटिंग डेली लाइव क्लासेस ऑन दैट, प्लस आपके सारे डाउट्स लाइव क्लियर किए जाएंगे। आई विल बी आंसरिंग ऑल योर डाउट्स इन द लाइव सेशंस। उसके अलावा स्पेशल डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी रखी जाएंगी। यू विल हैव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, आरपीएससी आरएएस के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो इंग्लिश मीडियम के अंदर मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ऑल इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये सारे आरएएस के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज सारे मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको, ठीक है। यू विल बी हैविंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द वीडियोज। आप जितनी बार भी चाहे वीडियोज देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक या दो बार ये देख पाएंगे। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते तब तक वीडियोस मौजूद रहेंगे, आप देख सकेंगे। प्लस जैसे ही डेट डिक्लेयर होती है प्री एग्जाम की या नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद हमारे रेगुलर टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट कल मैं एक क्लास लेने वाला हूँ शाम को 5:30 to 7:30 फॉर ऑल ऑफ यू हु आर नॉट ऑन प्लस। तो उनके लिए स्पेशल क्लास है कि फ्री क्लास रहेगी, ठीक है। कल शाम को रहेगी ये प्लस के ऊपर, तो आप प्लस डाउनलोड कर लें, फ्री रहेगी। इसीलिए 2 hours ऑफ क्विज बेस्ड क्वेश्चंस ऑन राजपूताना डायनेस्टी, जो टॉपिक मैंने अभी कंप्लीट करवाया है, ठीक है। तो राजपूत डायनेस्टीज के ऊपर जो टॉपिक कंप्लीट करवाया है उसके ऊपर 22 hours का क्वेश्चन रहेगा, पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रहेगा, प्री के हिसाब से टोटली प्री ओरिएंटेड रहेगी, ठीक है। तो कल ये जरूर ज्वाइन करिएगा आप लोग, फ्री है सबके लिए, लेकिन प्लस पे आना पड़ेगा आपको उसके लिए, इन द सेंस कि सिर्फ डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन। गुड आफ्टरनून सुनीता, गुड आफ्टरनून ज्योति, तो वो फ्री रहेगी आप सबके लिए। प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये कुछ एजुकेटर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी पढ़ा रहे हैं सारा, और वाईफाई भी अनअकैडमी का पार्ट बन चुका है, और इनमें से आप कईयों से बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, बट दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी फैमिली नाउ, ओके। एंड दिस इज वन ऑफ द कोर्स दैट आई हैव कंप्लीटेड रिसेंटली, अभी ये कंप्लीट हो चुका है पार्ट वन इसका, अभी इसका पार्ट टू चल रहा है। कल इसकी क्लास वापस है मॉर्निंग में 11:30, तो जो लोग प्लस पे ऑलरेडी मौजूद हैं वो मुझे प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज ये एक पेड क्लास होगी तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी इसके लिए। सेकंड पार्ट चल रहा है, एक और पार्ट होगा उसके बाद ही खत्म हो जाएगा पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो आई वुड वांट कि जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन करें ताकि आपके डाउट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो पाए। चलिए नाउ मूविंग फर्दर, हाउ टू रजिस्टर अन अकेडमी। आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, सिंपली गो टू आरपीएससी आफ्टर दैट एंड गो ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। रिमेंबर माई कोड 10VS, कोड ध्यान रखिएगा, सिर्फ यही एक कोड है। और उसके अलावा आप 10VS जैसे यहाँ कोड करेंगे इस गिफ्ट बॉक्स के सामने, यू विल बी गेटिंग एन अपफ्रंट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो जो 12 महीने का कोर्स है वो 7000 का 6300 में आ जाएगा एंड हाई कैलाश, एंड जो 24 मंथ्स का कोर्स है 8400 का वो 7560 में आ जाएगा। दैट इज इट, आप समवेयर अराउंड 315 rupees पर मंथ। और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो ये 325 rupees में हो जाएगा। HDFC डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो भी आप ये EMI पे ले सकते हैं, HDFC डेबिट कार्ड, ठीक है, तो भी आपको ये सब कुछ EMI पर मिल सकते हैं, ओनली HDFC एज ऑफ नाउ। आगे जैसे भी बढ़ता जाएगा ग्रुप तो हम आपको बता देंगे उसके बारे में। एंड अगर आप ये तीन लेने की सोच रहे हैं तो कोई पॉइंट है नहीं, इससे बेटर आप मेरी स्पेशल क्लास देख सकते हैं, तो आपको अपने डाउट्स हम सारे वहाँ क्लियर हो जाएंगे। इसलिए इधर गोइंग फॉर 12 मंथ और 24 मंथ, 24 मंथ बेस्ट इसीलिए क्योंकि 1 year + 1 month सिर्फ 1400 rupees देकर आप पूरे 2 साल तक आप इंजॉय कर सकते हैं इसके बेनिफिट्स, ठीक है। चलिए और इसके अलावा और भी कोई इंक्वायरी, एनी डाउट यू हैव इन योर माइंड, दिस इज माय नंबर, यू कैन गिव मी अ कॉल, यू कैन ड्रॉप डाउन अ मैसेज एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, ताकि वो क्लासेस और नोट्स के बारे में या डिस्कशंस के बारे में और ज्यादा पता चल सके, ठीक है। करंट अफेयर्स के नोट्स मैं ज्यादातर इसी साइट पर डालता हूँ, अभी टेलीग्राम ग्रुप पर ही डालता हूँ। अब करंट अफेयर भी नेक्स्ट वीक में शुरू करने वाला हूँ मैं, सर कॉन्सेप्ट क्लियर करा दो यहाँ, फिर मेंस के लिए लेंगे, डोंट वरी। नहीं कैलाश, डोंट वरी, आप मेन साथ में ही चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट मेरे सारे क्लियर हैं, आपको जो भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है।
चलिए, तो आज की इनफैक्ट ये क्लास भी थोड़ी सी मेंस ओरिएंटेड रहेगी राजस्थान के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा मेंस के अंदर आता है. सो मैंने थोड़ा डिटेल्ड ये एक दो बार से मेरी जो जो स्लाइड्स है वो कंटेंट हैवी है, तो इसीलिए आपको फायदा रहेगा काफ़ी मेंस के अंदर, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा. ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं उस टाइम पे पब्लिक लाइफ क्या थी. ठीक है, तो पब्लिक लाइफ के अंदर मैंने आपको बताया था कि वो मेल डोमिनेंट सिस्टम रहा है राजस्थान में हमेशा से, एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम इन द एग्रीकल्चर वॉज वन सेकेंड आई थिंक या सॉरी सॉरी हाँ सो तो मेल डोमिनेंट जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा था. एग्रीकल्चर वॉज द कॉर्नर स्टोन फॉर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी वो सारी एग्रीकल्चर के आसपास ही मिंगल ऑन करती थी, एंड लैंड वॉज ओन्ड बाय द एंटायर फैमिली. तो पूरे परिवार का भूमि पे स्वामित्व हुआ करता था. तो अगर बड़ा परिवार होता तो सब मिलकर खेती करा करते थे, ज़्यादातर उसी तरह से काम होते थे, और हेड ऑफ द फैमिली वॉज दी हेयर टू दी एंटायर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उसके अंदर वो हेड करा करता था. ठीक है, इसके अलावा पब्लिक लाइफ के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा कि षोडश संस्कार, जो हमारे मेन हिस्ट्री में भी टॉपिक है, पार्ट है आपके एथिक्स के अंदर भी आता है, हिस्ट्री के अंदर भी, राजस्थान के अंदर इंडियन हिस्ट्री के अंदर टॉपिक दिया हुआ है षोडश संस्कार वाला, जैसे कि आपके नामकरण हो गया, अन्नप्रश्न हो गया, उपनयन हो गया, इसके अलावा जो मृत्यु के बाद के जो हमारे जो सारे संस्कार होते हैं, तो वो सब मिला के षोडश, गर्भाधान से लेकर आपके जो मृत्यु के संस्कार होते हैं वो सारे के सारे आपको आने चाहिए, सीक्वेंस के अंदर भी आने चाहिए, क्योंकि वो पूछ सकते हैं, मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है. दो बार से तो आया, इस बार भी आएगा ही. तो ये सारे संस्कार करवाए जाते थे. ठीक है, देर वर एफ्लुएंट मैरिज, मतलब शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, बहुत बड़े बढ़ चढ़ के जाते, आज भी जैसी होती है उसकी तरह ही शादियाँ काफ़ी बड़ी चढ़ी के बड़ा चढ़ा कर शादियाँ करी जाती थी. और द रिचुअल्स वर डिफर्ड डिपेंडिंग अपॉन द कम्युनिटीज, मतलब सब कम्युनिटी कास्ट के हिसाब से अलग अलग रिचुअल्स हुआ करते थे, लेकिन एक दहेज प्रथा मोर और लेस सभी रिलेशन सभी रिलीजन्स के अंदर मौजूद थी, सभी कम्युनिटीज में मौजूद थी, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अनटचेबल्स हो, जो भी हरिजन, जो भी रिलीजन्स, आई मीन जो भी कम्युनिटीज थी, सब जगहों पर डाउरी सिस्टम रहा करता था. ठीक है, एंड खास तौर से राजपूत कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा आपके डाउरी पर जोर दिया जाता था, जिसकी वजह से वहाँ पर फीमेल फ्यूटिसाइड यानी कन्या वध की जैसी जो कुप्रथाएं थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी. ठीक है, इसी के कारण सवाई जय सिंह जो जयपुर के थे उन्होंने बैन कर दी थी डाउरी भी और एक नेग की प्रथा आज भी खैर बहुत फेमस है. जैसे जब भी कोई कंवर साहब जो होते हैं, जो दूल्हा होता है, वो अपने ससुराल में जाते हैं, कहीं भी मिलने वाले जाते हैं, उनको नेग दिया जाता है, फिर और भी अलग अलग तरह के नेग होते थे, तो वो नेग वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा आज भी प्रिवेलेंट है. हालांकि डाउरी भी प्रिवेलेंट है, लेकिन ये सारे सिस्टम सवाई जय सिंह ने उस टाइम पर, आई एम टॉकिंग अबाउट 200 ईयर्स बैक, बैन करने की कोशिश करी थी. बैन कर भी दी थी पर फिर भी मौजूद रही. जब आज सरकार आज तक बैन नहीं कर पाई तो उस वक्त भी इतना ज़्यादा हुपला नहीं था, हुआ नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ फिर भी किया गया. ठीक है, देर वर नो इंटरकास्ट मैरिजेस एज इन टुडे, आज की तरह ही वहाँ पहले भी इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं ली जाती थी, और जो करा करते थे उनको सोशली ऑस्ट्रोसाइज कर दिया जाता था. देवर भी मतलब उनको पूरा अपनी जात बाहर या बिरादरी से बाहर कर दिया जाता था. विडो री मैरिजेस वर नॉट अलाउड. ठीक है, लेकिन सिर्फ राजपूत, ब्राह्मण और महाजन कम्युनिटीज़ के अंदर अलाउड नहीं थी. ठीक है, ये कम्युनिटीज थोड़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थी, ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक थी ज़्यादा. तो राजपूतों में, ब्राह्मणों में और महाजन, इन तीनों कम्युनिटी, महाजन यानी वैश्य, ठीक है, तो इन तीनों कम्युनिटीज के अंदर आपके विडो री मैरिज अलाउड नहीं थी. लेकिन फिर भी उसके अलावा जो बाकी जातियाँ थी, जैसे जाट, माली, गुजर, अहीर यानी यादव, रैबारी, इन सब के अंदर विडो री मैरिजेस अलाउड थी, प्रिवेलेंट थी, मौजूद थी पहले से. और इस तरह की शादियों को वहाँ पर नाता कहा जाता था. ठीक है, नाता यानी कि आपकी जो विडो री मैरिजेस को नाता कहते थे इन जातियों में. एंड आपके यहाँ पर फरागती लेनी पड़ती थी अगर विडो री मैरिजेस, जैसे जिस लड़की की, जिस विधवा की शादी दोबारा होती थी तो उसके ससुराल वालों से, आई मीन जो मौजूद है जिसका हस्बैंड मर जाता है उसके पेरेंट्स से, उनसे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, उसको फरागती कहते थे. अब ये दोनों चीज़ें आपके प्री के अंदर आ सकती हैं. ठीक है, तो फरागती और नाता प्रथा आपके प्री में भी आ सकती हैं. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. चलिए, इसके बाद मल्टीपल मैरिज, बहुविवाह की प्रथा बहुत मौजूद थी डिटेल में यहाँ पर. ठीक है, राजपूत में, वैश्य कम्युनिटीज़ में, इन सब जगहों पर मौजूद थी. जरूर, और राजाओं की काफ़ी सारी क्या कहते हैं, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स रहते थे, या आप गणिकाएँ, या आप कीप्स कह सकते हैं, कार्टेशियंस कीप्स जो उनके उनकी रहती थी, जिनको पुराने समय में भंडारण या पड़दायत कहा जाता था. ठीक है, इस तरह के नाम लिए जाते थे उनके लिए. और इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा राजाओं के क्लोज रहती, बहुत ज़्यादा जिनकी प्रॉक्सिमिटी बढ़ जाया करती थी, तो उनको पासवान या खवासान, इस तरह की इनको एक हायरार्की बनी हुई थी. तो पासवान खवासान सबसे ऊपर लेवल पर होती थी, उसके बाद भंडारण या पड़दायत, इस तरह का इनका इनका भी खुद का स्ट्रक्चर था, जो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चला करते थे रूलर्स के. ओके, और जैसे आपके मारवाड़ के जो राजा थे विजय सिंह, उनकी एक बहुत फेमस पासवान थी गुलाब राय, इसका नाम ही गुलाब राय पासवान था पूरा. तो उसका इंटरफेरेंस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफ़ी हद तक रहा था. ठीक है, ऐसे ही जयपुर के जो सवाई जगत सिंह थे, उनकी एक बहुत फेमस प्रेमिका थी रस कपूर, आप लोगों ने अगर नाम सुना हो तो, एक इसके ऊपर एक नॉवल भी लिखी हुई है रस कपूर,
तो रस कपूर का भी बहुत ज्यादा, इसको अधराजन भी कहा जाता था, इसको जगत सिंह ने आधा राज्य दे दिया था तो इसको अधराजन कहते थे, ठीक है। ये आमेर के अंदर आ करती थी, जगत सिंह जयपुर में रहा करते थे उस वक्त, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इनका भी इन्फ्लुएंस रहा करता था, ठीक है। चलिए, द सेरेमनीज एंड रिचुअल्स ऑफ आफ्टर डेथ्स, ठीक है। वो एक्सपेंसिव अफेयर, मतलब जो मृत्यु के बाद के जो क्रियाकलाप या जो कर्म कांड किए जाते वो बहुत ज्यादा महंगे होते थे, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होते थे। इनफैक्ट लोग उधार लेने के बाद भी मृत्यु भोज ऑर्गेनाइज कराना पसंद करते, नुक्ता, जिसको मृत्यु भोजन कहते हैं, ठीक है, नुक्ता खाना या मृत्यु भोज, इसको ये ऑर्गेनाइज करवाने के लिए उधार भी लेना पड़ता था, इतना महंगा हुआ करता था, ठीक है। और जब भी कोई फैमिली मेंबर मर जाता था तो ये 12वें दिन 13वें दिन इस तरह से टाइम पर ये करवाए जाते थे ऑर्गेनाइज, ओके। इसके बाद औरतों की दशा कैसी, कंडीशन ऑफ वुमेन। सो औरतों के लिए प्रॉब्लमेटिक टाइम था, नो डाउट। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे तो भी वही कॉमन जो प्रॉब्लम्स थी उस वक्त जो मौजूद थी, इसी तरह की सारी कॉमन प्रॉब्लम्स इस वक्त भी राजस्थान में मौजूद थी, ठीक है। जैसे कि आपके सती प्रथा और कन्यावध, त्याग, डाकन प्रथा और खरीद फरोख्त होना औरतों का, तो ये सारी चीज़ें प्रिवेलेंट टाइम मॉडर्न मिडिवल इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट थी, हर जगह मौजूद रहा करती थी, ठीक है। जिसमें सती कहते थे हम लोग, जो सेल्फ इमोलेशन है, वॉज मोस्टली प्रेजेंट इन दी राजपूत कम्युनिटी, तो सबसे ज्यादा राजपूतों में सती हुआ करती थी स्त्रियां, ठीक। और इसको एक धार्मिक, एक रिलीजियस एंगल दे दिया करते थे कि भाई सती होगी तो देवी बन जाती है। राजस्थान में अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूज में चल रहा है अभी, जो आपका सीकर के पास है ना, वो एक सती हुई थी देवराला के अंदर 1987 के अंदर, जो लास्ट सती वाला जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, उसके बारे में बार बार अभी न्यूज आती रहती है। तो वही चीज उस तरह से, तो 87 के अंदर जब आपने लास्ट सती का जो एग्जाम्पल देखा है तो उसके हिसाब से तो फिर ये काफी उस टाइम में बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट था। और राजपूत राजाओं में या जो राजपूतों के अंदर एक तरह से इसको एफ्लुएंट का साइन माना, प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा का पद माना जाता था। कितनी औरतें एक राजा के पीछे या एक राजपूत ठिकानेदार या एक जागीरदार के पीछे सती हुआ करती थी, तो ये प्रेस्टीज इशू हो जाता था, प्रतिष्ठा का इशू था, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद थी राजपूतों के अंदर। इसके बाद फीमेल फर्टिलाइजर, कन्यावध जो था वो सबसे ज़्यादा राजपूत के अंदर, जो लोअर कम्युनिटीज थी, लोअर क्लासेस जो थी राजपूतों के अंदर, जो फाइनल सब डिविजन आता है सेक्ट वाइज, तो उनके अंदर ज्यादा मौजूद था। और इसका जो मेन रीजन था वो डाउरी, दहेज प्रथा था। देखिए होता क्या था, आपको मैं बता रहा था जब लास्ट क्लास में, कि चारों और भाट वगैरह जो वंशावलियां वगैरह मेंटेन करते थे तो वो बहुत कुख्यात थे मांगने के लिए अपने, क्या कहते हैं, आपके जो शादियों के टाइम पर, तो जब वो बड़ा चढ़ा के बताया करते थे ऐसा खानदान है ये वो, तो उसके बाद जब वंशावली वगैरह प्रणाम बताया करते थे तो उसके एवज में वो बहुत सारा आपसे धन लिया करते थे। तो ये जो डाउरी, जो एक तो डाउरी फैमिली को देना ग्रूम की उनको, और उसके बाद ये चारण और भाट और इन लोगों को देना, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अफेयर हो जाता था राजपूत में शादी करवाना बेटी की। तो इसीलिए यहाँ पर जो लोअर कास्ट थी राजपूत में उनके अंदर कन्यावध ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। और डाकन प्रथा जो थी वो ज़्यादातर भील और मीना जैसी ट्राइब्स के अंदर पाई जाती थी, ठीक है, जिसके अंदर वो विच हंटिंग, इसको हम कहते हैं डाकन यानी विच हंटिंग, WITC, आज भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। अगर आप छत्तीसगढ़ वगैरह के अंदर काफ़ी जगह सुनते होंगे, राजस्थान में भी उदयपुर और ये जो ट्राइबल एरियाज है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर विच हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। डायन बता दिया, डाकन बता दिया, इस तरह की प्रथाएं बहुत ज़्यादा कॉमन है वहाँ पर अभी भी, ठीक है। तो ये डाकन प्रथा बहुत चला करती थी भील और मीना ट्राइब्स के अंदर। इसके अलावा औरतों और बच्चों को भी बाइंग एंड सेलिंग, खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा चलती थी, ठीक है, जो लीगल माना जाता कई स्टेट्स में, जैसे कि कोटा, उदयपुर में, तो इसको एक लीगल कारोबार माना जाता था, इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था बकायदा, ठीक है। और दास प्रथा सबसे ज्यादा मौजूद थी राजपूतों में, स्लेवरी, दास प्रथा राजपूतों में बहुत ज्यादा मौजूद थी। और इसके जो ज्यादातर जो दास हुआ करते थे, जो शादी के अंदर दिए जाते थे, जैसे आपको मैंने परसों बताया था क्लास में, वो ज्यादातर राजपूत के जो जो रूलर्स थे, जागीरदार थे, उनकी इललेजिटिमेट या जो नाजायज संतानें होती थी वो होती थी, जिनको गोला, दरोगा, खानजादा या चाकर कहा जाता था, ठीक है। तो दरोगा इसलिए कहते थे ज्यादातर क्योंकि इनको पुलिस वगैरह में नौकरियां दे दी जाती थी उस टाइम पे, मैनेजमेंट के अंदर, आई मीन एक तरह से मैनेजमेंट कोटा मांग लो उस वक्त का, तो ये दरोगा या जो पुलिस वाले उनको बना दिया जाता था। और चाकर जो फ्री में शादी के बाद दे दिए, जो फ्री सर्विस दिया करते थे रूलर्स को शादी के बाद, राजकुमारों या राजकुमारी की शादी के बाद उनको डाउरी के तौर पर दिए जाते थे। डाबड़िया प्रथा भी उसमें से एक पार्ट थी। ये सारी प्रथाएं भी हम जब आर्यन कल्चर वाला पढ़ेंगे उस पार्ट में आएंगी पूरी, बट यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ मेन्स ओरिएंटेड राइटिंग के बारे में। तो मेन्स के अंदर आपको आंसर का साइज देखकर, आई मीन जितने वर्ड्स का है, 2 वर्ड 20 वर्ड्स का है, 50 वर्ड्स का है या 100 वर्ड्स का है, उस साइज के हिसाब से आपको इसमें से डेटा लेकर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसलिए जो मैक्सिमम मैं आपसे मैक्सिमम इन आंसर्स के लिए मैं आपको दे सकता हूँ, मिनिमम आप अपने हिसाब से थोड़ा सा यूज करके देखें। तो राजपूत के अंदर अपर कास्ट के अंदर जो ठीक है, ऑफ राजपूत ऑफ अपर क्लास एंड देयर कर्टिजन्स, तो उनके पुत्र और पुत्री हुआ करते थे, ठीक है, गोला, गोली, इस तरह के नाम इनको बोला जाता था। इनका जो सोशल स्टैंडिंग थी बहुत खराब हुआ करती थी, देवर लुक डाउन अपॉन, बट नेवरदिलेस आई मीन उनको इस तरह के काम वगैरह में इंक्लूड कर लिया जाता था। चलिए, इसके अलावा फेस्टिवल्स या ओकेजन्स कैसे होते थे उस वक्त, या फिर कैसे वो आमोद प्रमोद वाला जो बात था, आई मीन लेजर टाइम जो स्पेंड करते थे, तो वो कैसे लग्जरी वगैरह का वो किस तरह का था। तो ज्यादातर जो आपके जो मेन जो टाइम पास के लिए जो लोग काम करा करते थे वो था आपके इंडोर गेम्स सबसे ज्यादा।
तो इंडोर गेम्स ज्यादातर घरों में जो नॉर्मल हाउसेस के अंदर जो खेले जाते थे, हम और आप जैसे मकान लोगों के घरों में जो ज्यादातर गेम्स खेले, जो चौसर हो गया जिसके अंदर शतरंज टाइप, लूडो का जैसा एक शॉर्ट फॉर्म खेलो, एक इलेबोरेटेड फॉर्म लूडो का, लूडो भी हिंदुस्तान में बनाया, ठीक है। चेस भी हिंदुस्तान की वो है, क्या कहते हैं, डेवलप किया गया, चेस भी हम लोगों ने ही बनाया था, ठीक है। गंजीफा ये कार्ड गेम हुआ करता था, तो ये सारे गेम्स खेले जाते थे इंडोर। और आउटडोर के अंदर रेसलिंग यानी कुश्ती करना, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, या फिर आपके लोगों को शौक था बुल फाइटिंग देखने का, लायन फाइटिंग देखने का, एलिफेंट्स की फाइटिंग देखने का, ये ज्यादातर आपकी रूलिंग क्लास करवाया करती थी इस तरह के काम, ठीक है। जो लायन फाइटिंग हो गया, बुल फाइटिंग हो गया, या आपके एलिफेंट फाइटिंग हो गया, ये रूलिंग क्लास करवाती थी। इसके अलावा जो सबसे फेमस टाइम पास था लोगों को, पतंग उड़ाना हुआ करता था। आज भी पतंग उड़ाना, काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं राजस्थान में, जयपुर में, उदयपुर में, और गुजरात वगैरह के अंदर ही बहुत ज्यादा कल्चर है फ्लाइट, काइट फ्लाइंग का, ठीक है। या फिर आम लोगों के लिए पिजन फाइट और कॉक फाइट, तो वो लोग बुल फाइट्स वगैरह तो ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाते थे, इसीलिए दे वर मोस्टली इन्वॉल्व इन पिजन फाइट या कॉक फाइट, यानी चिड़ियों का, आई मीन मुर्गों का, ठीक है, तो उसमें इन्वॉल्व रहा करते थे। इसके अलावा डांस और ड्रामा जो परफॉर्मेंसेस थी वो आपके नट और भांड कम्युनिटीज द्वारा दी जाती थी, खासतौर से गबरी नृत्य, रास नृत्य, बमरसिया वगैरह, इस तरह के जो ऑर्गेनाइज वो क्या जो फेस्टिवल्स थे या जो म्यूजिक फेस्टिवल्स हुआ करते थे वो ऑर्गेनाइज किए जाते थे। और जो आपकी रूलिंग क्लास थी दैट वॉज इंडल्ज इन हंटिंग, ठीक है, तो ये ज्यादातर शिकार और इस तरह के कामों में इन्वॉल्व रहते थे, तो इस तरह से इनका जो समय बीता था। इसके अलावा आपके सबसे ज्यादा फेस्टिवल जो राजस्थान में मनाए जाते थे वो ज्यादातर आपके जैसे गणगौर हो गया, श्रावणी तीज हो गई, होली, अक्षय तृतीया, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, ये सारे कॉमन जो फेस्टिवल जो आज भी हम मनाते हैं उस वक्त भी बहुत धूमधाम से मनाए जाते थे, ठीक है। और इनफैक्ट गणगौर, तीज और दशहरा का तो ऑर्गेनाइज सरकार के द्वारा यानी शासक के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाते थे। आज भी आपने देखा होगा अभी इन दिनों भी दशहरा के अंदर जो शस्त्र पूजन होता है, तो आपके उदयपुर का जो मेवाड़ वाला दशहरा बहुत फेमस है। इसके अलावा राजस्थान जयपुर के अंदर भी आपके जो जो यहाँ के जो चंद्रमहल वगैरह जो यहाँ पर जो राजवंश रहता है, छावा राजवंश, उनके अंदर आज भी शस्त्र पूजन वगैरह किया जाता है और बहुत सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज सरकार मतलब राजविधान के तौर से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा हुआ करता था। गणगौर की सवारी, तीज की सवारी बहुत कॉमन रहे हैं बूंदी में, कोटा में, मेवाड़, जयपुर में, मारवाड़ के अंदर, सब जगह बहुत कॉमन फेस्टिवल्स रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा धूमधाम हर्षोल्लास धूमधड़ाके से मनाए जाते थे, ठीक है। सो दे वर ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट इन विच पीपल ऑफ ऑल क्लासेस पार्टिसिपेटेड, तो सब तरह के लोग इसके अंदर, हर जाति के लोग, हर समूह के लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करा करते थे, ठीक है। चलिए इसके बाद फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज वर मेनली मुहर्रम, बारा वफात, ईद उल फितर, ईद उल जुहा और उर्स होते थे फेयर, इनके मेलों को उर्स कहा जाता था, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनाइज करते थे, खासतौर से आपके नागौर में, अजमेर में, इन जगहों पर इनके ऑर्गेनाइज करवाते थे। हमें मुद्दे नागौर की दरगाह थी यहाँ पर, आपके अजमेर के अंदर आपके जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जैसे डूंगरपुर, गलियाकोट वगैरह में जो दरगाह है मीठे शाह की, पीर की, तो वो सब बहुत फेमस दरगाह रही है। और यहाँ पर इवेंचुअली हिंदू और मुसलमान दोनों तरह के कम्युनिटीज के लोग आपके यूज टू टेक पार्ट इन ऑल द रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ ईच अदर, तो सबके आपस में मिलकर मनाया जाता था। आज की तरह बहुत ज़्यादा एक कंटेंशियस माहौल नहीं था, बट हाँ पहले बहुत धूमधाम से मनाए जाते थे, ठीक है। और क्लोथिंग और ज्वेलरी, इसके ऊपर भी एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, राइट स्मॉल आर्टिकल अपॉन द क्लोथिंग एंड ज्वेलरी ऑफ मेडिवल राजस्थान, इस तरह के स्मॉल आर्टिकल 5 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें जो आनी है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं, इससे ज़्यादा आप लिखोगे तो वो इवेंचुअली 100 वर्ड से ज़्यादा आप कहाँ लिख पाओगे, तो इसलिए बेटर है 100-125 वर्ड से ज़्यादा के आंसर आप ना बनाएं, ठीक है। आंसर राइटिंग बनाना भी अपने आप में स्किल होता है, तो उसके अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख कर जा रहे हैं, रट के लेकर जा रहे हैं, तो आपके काम नहीं आने वाली हैं। जस्ट हैव वाटर। चलिए तो ये हुआ करता था, ओके। अब इसके बाद आपके जो क्लोथिंग ज्वेलरी के अंदर सबसे ज्यादा लोअर क्लास के जो लोग हुआ करते थे वो ज्यादातर धोती और पगड़ी या साफा, पोतिया, टर्बन बांधा करते थे, ठीक है। और भीड़ और अदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो तो ज्यादातर लंगोटी में, जिनको हम लॉइन क्लॉथ कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर जी आकांक्षा, ये बिल्कुल क्लासेस डेली होती हैं। अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा ऑल्टरनेट डे चल रहा था, लेकिन अभी ये कल से वापस, आज से वापस से रेगुलरली डेली हुआ करेंगी क्लासेस। आई कम एवरी डे अराउंड 4-4:30 के बीच में, यूजुअली 4:15 पे क्लास शुरू हो जाती है मैक्सिमम से मैक्सिमम, अदरवाइज तो वी आई स्टार्ट एट 4 यूजुअली। तो रोज क्लास होती है मेरी, और अभी आप मेरे पुराने सारे वीडियोज देख सकते हैं, मैंने राजपूताना डायनेसीज वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया, वो सारे वीडियोज पहले से मौजूद हैं, तो वो सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट यू फील फ्री टू आंसर मी इन द चैट बॉक्स, आई विल बी आंसरिंग इट राइट अवे। तो जो आपके भील और ट्राइबल कम्युनिटीज होती थी वो एक लॉइन क्लॉथ यानी कि लंगोटी पहना करते थे, ठीक है। ज्यादातर आज भी आपने देखा होगा पुरानी जो फोटोग्राफ्स होती हैं भील और इस कम्युनिटी के लोगों की, वो ज्यादातर आपके सिर्फ एक लंगोट में ही दिखते हैं, ठीक है। धनुष बाण लेकर और इस तरह का जो उनका यूजुअल जो उनके अस्त्र वेपन्स हुआ करते थे उनको यूज करते थे, ठीक है। एंड द मिडिल क्लास पीपल वोर धोती, अंगरखी
एंड टर्बन, तो ये तीनों चीजें पहना करते हैं, यूजुअली मेड ऑफ कॉटन, व्हाइल द रूलिंग क्लास वुड वेयर दीज क्लोथ मेड ऑफ सिल्क एंड एक्सपेंसिव क्लॉथ। ठीक है, तो जो आपके जो अमीर जो लोग हुआ करते थे वो सिल्क और इस तरह का जो इंपॉर्टेंट मटीरियल होता था, एक्सपेंसिव बहुत मखमली या मलमली इस तरह के कपड़े पहना करते थे, और जो नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग हुआ करते थे दे यूज टू वेयर धोती, अंगरखे एंड टर्बन मेड आउट ऑफ कॉटन, तो कॉमन था कपड़ों का। तो ठीक है, दीज टर्बन्स वर अकॉर्डिंग टू द ओकेजन एंड वेदर, तो जो रूलिंग क्लास थी या जो जो आपके जो जो वेल ऑफ क्लास थी, जो जो मिडिल क्लास से ऊपर और जो अपर क्लास थी, वो ज्यादातर जो मूड के हिसाब से, वेदर कैसा हो रहा है उसके हिसाब से, या जो ओकेजन है उस हिसाब से आपके पगड़ियाँ पहना करते थे। और ये पगड़े भी अलग अलग टाइप की हुआ करती थी, जैसे आपके उदयशाही हो गई, अमरशाही, खंजदार, शाहजहान, इस तरह की ये पगड़ियाँ हुआ करती थी। और मुगल मुगल सल्तनत के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशंस रहे राजस्थान के सारे राजाओं के, क्योंकि हम सब लोग इन सब लोगों ने सब्जुगेशन स्वीकार कर ली थी, मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो उसके बाद मुगल प्रॉक्सिमिटी के कारण यहाँ पर कमरबंद और एक पायजामा इनका और कल्चर शुरू हो चुका था। अदरवाइज पहले ज़्यादातर लोग धोती पहना करते थे, बट हाँ कमरबंद और पायजामाज का जो कल्चर शुरू हुआ था वो आपके मुगल इन्फ्लुएंस के बाद शुरू हो गया था राजस्थान के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद औरतें जो थीं, जो विमेन थीं, वो दे यूज टू वेयर लहंगास, ठीक है, इनको किल्ट कहते हैं, एंड अंगरखी और लॉन्ग आर्म्ड कुर्तीज, तो पूरा आर्म कवर हुआ करता था यूजुअली, तो लॉन्ग आर्म कुर्तीज पहना करती थी, और कुछ ओकेजन्स पे साड़ी भी पहना करती थी जो बहुत चमचमाया करती थी, तो ग्लिटरिंग क्लोथ्स वर वर्न टू वॉन्ट। ठीक है, तो ग्लिटरिंग क्लोथ साड़ीज, ऑल दीज क्लोथ्स वर वर्न ऑन स्पेशल ओकेजन्स बाय विमेन। और जो आपकी एफ्लुएंट क्लास थी दे यूज टू वेयर ज्वेलरी ऑल्सो, सो जैसे हाथ में कड़ा पहनना, कानों में कुंडल हो गए, इयर रिंग्स हो गए, अंगूठियाँ, बड़े बड़े नेकलेसेस, मेन वुमेन बोथ ऑफ देम, सो आउट ऑफ गोल्ड। तो ज़्यादातर जो जो अपर क्लास होती थी, जो आई मीन जो जो रूलिंग क्लास थी या अपर क्लास थी, वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहना करते थे, और जो रेगुलर लोग थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, दे यूज टू वेयर ऑर्नामेंट्स मेड आउट ऑफ सिल्वर। ओके, एंड वुमेन वर मोस्टली लोडेड विद ऑर्नामेंट्स ऑल टाइम्स। तो ये खासतौर से इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है कि औरतों को शुरू से ही हमेशा से सब, मतलब सारा राजस्थान के अंदर कल्चर में, इनफैक्ट हमारे जो हमको याद करने वो सारे इनके ऑर्नामेंट्स याद भी करने, तो इतने सारे ऑर्नामेंट आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव गिवन प्री और मेंस अर्लियर, या जिन्होंने पेपर्स वगैरह देखे हैं, तो एन नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स पहने जाते थे, चूप चोप हाथ के लो तो फोलरा, और आपके और कान के कुंडल और अंगूठी और झांझर, और बहुत आई मीन एन नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, तो हमेशा से फुली लोडेड रहा करती थी। एंड खास तौर से काजल लगाने का आंखों में और माथे में सिंदूर लगाने का, वर्मिलियन, ये इनका और बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा राजस्थान के अंदर कल्चर के अंदर। ठीक है, जिस तरह ड्रेसअप आपका और जो जिस तरह से रहन सहन का था, जो कपड़े पहने गए थे, वो सारे इंपॉर्टेंट इसमें थे। अब आता है इनके खान पान के ऊपर। अब देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो रहन सहन और खान पान एक साथ मिलाकर आएगा, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू राइट आंसर अकॉर्डिंगली। तो आपको जो पार्ट में डिवाइड करना होगा उसके अंदर आप देख के लिए लिख लीजिएगा, सपोज 12 लाइन आती हैं तो शुरू की दो दो लाइन आप हटा दें, तो उसके अंदर आपको ज़्यादातर आप क्लोजिंग और एंडिंग स्टेटमेंट के हिसाब से देखें, क्योंकि वो ये आंसर आएगा तो आपके रहन सहन खान पान एक साथ आएगा तो आपके सीधे 100 वर्ड्स के अंदर आएगा, उससे कम में आएगा नहीं। तो उसके अंदर आपको फिर रहन सहन का भी 4-5 लाइन के अंदर और बाकी 4-5 लाइन के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ेगा फूड हैबिट्स का। फूड हैबिट्स थोड़ा सा आप कम भी कर सकते हो, 3-4 लाइन में भी कर सकते हो, बहुत डिटेल्ड नहीं है, लेकिन हाँ बाकी जो चीज़ें हैं वो आप फैक्चुअल डेटा है वो ज़रूर दीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, जो आपके रहन सहन के ऊपर है। तो खान पान के अंदर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों चीज़ें, दोनों कुजींस यहाँ पे बड़े फेमस रहे थे। ठीक है, कई जो ओकेजन होते फेस्टिवल्स पे या त्योहारों पे ज़्यादातर गुड़ की चीज़ों का यूज़ किया जाता था, तो चीनी उस वक्त इतनी फेमस नहीं थी, शुगर एक बहुत बाद में कॉन्सेप्ट आया था। ज़्यादातर लोग जो स्वीटनर जो यूज़ करते थे वो आपके जैगरी गुड़ को यूज़ करा करते थे, इसी से बनी मिठाइयाँ, और इसी को यूज़ करते थे, काम में लेते थे। खासतौर से जो मेवाड़ वाला पार्ट है जो गुजरात बॉर्डरिंग के अंदर है, वहाँ तो आज भी अगर कोई पुराना आदमी कोई बाहर से घर जाते गाँवों में तो वो लोग पानी और साथ में गुड़ दिया करते हैं, क्योंकि राजस्थान हमेशा से गर्म बहुत रहा है और डेजर्ट स्टेट है, तो मारवाड़ वाला पार्ट है और जो गुजरात का बॉर्डरिंग वाले रीजन है मेवाड़ के और इस तरह के, तो वहाँ पर हमेशा कोई भी मेहमान घर में जाते हैं तो पानी का गिलास और गुड़ दिया जाता है टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर्स, क्योंकि शुगर लेवल्स भी लो हो जाते हैं धूप और घूमने के चक्कर में बाहर, तो ये दोनों चीज़ें हमेशा दी जाती है। गुड़ का बहुत ज़्यादा उपयोग रहा है राजस्थान कल्चर के अंदर। ठीक है, इसीलिए तो ये बनाया जाता है। और जो मेन क्रॉप्स हुआ करती थी आपके बाजरा, मक्का, मोठ, ज्वार, उड़द, ये मेन ईटिंग आइटम्स इनके ज़्यादातर रोटी सब्जी और रोटी और जो दाल वगैरह, कढ़ी, गट्टे, इस तरह की चीज़ें यूज होती थी। अब कढ़ी और गट्टे को इंग्लिश में क्या कहेंगे ये तो मैं भी नहीं जानता, तो इसलिए मैंने मेंशन किया नहीं, बट हाँ लेकिन अगर आप चाहें तो हिंदी में चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं उसको मस्टर्ड बॉल्स या इस तरह की कोई चीज़ करके बनाना चाहें तो आप कॉर्न फ्लोर बॉल्स इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, आई एम जस्ट सेइंग इट वोकली। मैं होता तो लिख के जरूर आता है इन चीज़ों को आंसर के अंदर। चलिए, फिर राजपूत एंड द लेबर क्लास यूज टू हैव अल्कोहल एंड ओपियम, तो ये आपके जो क्या कहते हैं शराब, मदिरापान और ओपियम, यानी कि वो एक तरह से एक ड्रग होती है ओपियम, तो डोडा पोस्टर इस तरह का जो चलू में लेकर जिसको हम रियाण एक प्रथा कहते हैं, ये आपने सुना होगा रियाण प्रथा।
ठीक है, तो वो बहुत फेमस है राजपूतों के अंदर, जिसके अंदर वो जब एक तरह से एक एलिजियंस जब वो डिक्लेयर करते हैं किसी रूलर के प्रति या किसी अच्छे ओकेजन के ऊपर, शादी ब्याह के ओकेजन पर रियान एक प्रथा निभाई जाती है, तो वो बहुत फेमस थी वहाँ पर, तो राजपूतों में इसका बहुत चलन था। और हुक्के का भी चलन था मुगल इन्फ्लुएंस की वजह से, मुगल्स के अंदर हुक्का बहुत ज़्यादा चला करता था, तो उसका इन्फ्लुएंस राजस्थान पे हमेशा से बहुत रहा, तो इसलिए हुक्का वगैरह, हुक्का पान, और ये भी बहुत आप सब गाँव वगैरह में देखा होगा कि हुक्का बहुत आज भी चलन में, तो उस वक्त बहुत अपने पीक पर था, तो आजकल शहरों के अंदर भी नया चलन है हुक्का का, शीशा बार एंड ऑल, बट स्टिल सो राज अभी तो बैन किया हुआ है, बट हाँ कई जगह फिर भी चलता रहता है, तो इसी तरह पहले बहुत चलता था गाँव में, आज भी चलता है हुक्का पान। चलिए इसके बाद एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स कैसे थे, तो देखिए एजुकेशन के अंदर ज्यादातर जो रोल प्ले करते थे वो आपके गुरुकुल, मठ, मंदिर और जैन में उपासरे, तो जैनियों के उपासरे हुआ करते थे, जहाँ पर आपके जो पढ़ाइयों का पढ़ाई दी जाती थी। आज भी जो राजस्थान में जो काफी जैन टेम्पल्स थे वहां पर आज भी उपासरे चलाए जाते हैं, इनफैक्ट जयपुर के अंदर ही बापूनगर के अंदर एक जगह है जैन मंदिर, वहां पे उपासरे चलाए जाते हैं, वहीं रहना खाना और वहीं जैनिज्म की उनको शिक्षा दी जाती, दीक्षा दी जाती है पूरी। तो राजस्थान में शुरू से गुरुकुल या मठों के अंदर या आपके मंदिरों में ही शिक्षा का प्रसार प्रसार होता था, ठीक है। इसके अलावा कुछ जगहों पर स्कूल भी खुले हुए थे, बट वो ज्यादातर आपके एलिमेंट्री एजुकेशन ही दी जाती थी उनके अंदर। कुछ छोटे टाउन या कस्बों में, शहरों के अंदर वहाँ पर कुछ स्कूल्स खुल गए थे बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस लेटर ऑन आफ्टर 1818, ठीक है। लेकिन इनिशियली आपके गुरुकुलों के अंदर ही, जब हम बात करें 12th to 18th century की, तो मेडिवल टाइम आपका 12th to 18th century तक आता है, तो 1800 1799 तक, तो उसके बाद ब्रिटिश के साथ इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है इनका 1818 के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद वाला फिर आपके आ जाएगा मॉडर्न इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है। इससे पहले का आपको यहाँ ही पढ़ना पड़ेगा, ये इस तरह से पढ़ाई हुआ करती थी राजस्थान में, ठीक है। तो देयर मेंटेनेंस वॉज टू बी डन बाई लोकल पॉपुलेशन एंड द किंग, तो जो राजा होते थे और जो जिस गांव में स्कूल थे, जिस गांव में मंदिर या मठ में पढ़ाई कराई जाती थी या उपासरे थे, वहां पर जो सारा सिस्टम था वो आपके वहां के जो लोकल लोग थे, जो ग्रामीण लोग थे या जहां भी शहर में थे, तो उन लोगों के द्वारा और राजा के द्वारा जो अनुदान दिए जाते थे उसके अंदर पढ़ाई वो चलाया जाता था, खर्चा स्कूल वगैरह का, ठीक है। और ज्यादातर जो जमीन थी वो चैरिटी के तौर पर, डोनेशंस के तौर पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस को दे दी जाती थी, और इसी तरह से होता भी था, जमीन दे दी तो उस पर जो खेती हुआ करती थी उसकी उपज को बेचकर इसके क्या कहते हैं खर्चा निकाला जाता था, स्कूल देने को, मैनेजमेंट का, इन सब का, तो ये काम भी हुआ करता था। तो हमेशा से ये नहीं कि कैश में अनुदान आता था, दे यूज टू प्रोवाइड देम लॉट ऑफ लैंड एंड लॉट ऑफ राइट्स टू वेरियस जागीर, जिसका पैसा यूज करके ये लोग उसके अंदर खर्चा कर सकते थे। और ज्यादातर एजुकेशन 18 साल तक दी जाती थी, 18 ईयर्स की एज तक आप एजुकेशन लिया करते थे, और ज्यादातर एजुकेशन जो जिन जिन टॉपिक्स की, सब्जेक्ट्स की होती थी वो थी वेदों की या पॉलिसी नीतियों के बारे में जानकारी दी जाती थी, कैसी नीतियां बनाई जाती हैं, फिलोसफी जिसको मीमांसा कहते हैं, दर्शन, ठीक है, एग्जैक्टली दर्शन हो गया वर्ड, लेकिन मीमांसा, मीमांसा इज अ टिपिकल वर्ड आप उसमें पढ़ेंगे जब हम एथिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, इंक्वायरी को कहते हैं मीमांसा। उसके अलावा धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती थी, पुराणों के बारे में, गणित के बारे में, गणित पे बहुत ज्यादा फोकस रहता था, लिटरेचर पे फोकस रहता था, और आपके ग्रामर, भाषा के ऊपर, ग्रामर एंड लैंग्वेज, व्याकरण एंड लैंग्वेज, व्याकरण और भाषा, इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था, ठीक है। और जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते थे, जो जैसे आजकल हम पीएचडी डॉक्टरेट वगैरह कर जाते हैं, पीडीएफ कर जाते हैं, तो वैसे लोगों को फिर पंडित या उपाध्याय या आचार्य या महामहोपाध्याय, इस तरह के मुखोपाध्याय, इस तरह के जो नाम दिए जाते थे, ठीक है। तो ये एजुकेशन का सिस्टम था। और जो लोग ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट और जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, जो द चिल्ड्रन ऑफ हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट आर्टिस्ट यूज टू लर्न देयर ट्रेड फ्रॉम इनिशियल एज एट होम, तो बहुत कम समय के अंदर, जैसे जो कुम्हार होते थे या जो सुनार होते थे या जो मोची या जो कॉबलर वगैरह, इस तरह के जो लोग होते थे, वो अपने परिवार के अंदर ही अपनी जो क्या एजुकेशन सिस्टम है उसको बढ़ाया करते थे। जो ट्रेड होती जो जो, जो आर्टिस्ट्री होती थी वो वही लोग उनको वहीं पे सिखाया, बचपन में घरों पे सिखाया करते थे। और ज्यादातर आपकी जो जो कृषि से रिलेटेड जो एजुकेशन थी, एग्रीकल्चर, कैसे खेती करनी है या किस तरह से ट्रेड के अंदर आपको इन्वॉल्व होना है, जो आपके वैश्य समाज के लोग थे, तो उन सबको भी नॉलेज घर पर ही दी जाती थी बहुत कम एज से, ठीक है। तो बनियों के अंदर या आपके जो किसानों के अंदर जो जो शिक्षा थी वो घर से ही मिलती थी उनको इस तरह की, ठीक है। बाद में स्कूल के अंदर जाने का टाइम, यूजुअली स्कूल की एज होती थी वो आपके 6 साल के बाद जाया करते थे, उससे पहले। सर, अदर वीडियोज ऑफ आर एस कोचिंग ऑफ दिस चैनल आर स्ट्रीमिंग एट सेम टाइम, हाउ कैन देन बी फोकस ऑन वन पर्टिकुलर क्लास? देखिए आकांक्षा, अगर आपको क्लास पसंद आती है, आप जिस भी क्लास में इंटरेस्टेड हो उस वक्त आप उस क्लास को देख लें, बाद में भी ये सारे वीडियोस मौजूद रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सारे वीडियोस खत्म हो जाते हैं एक के बाद एक। सो आप जिस भी क्लास को अटेंड करना चाहें उस क्लास को उस वक्त अटेंड कर सकते हैं, और बाकी क्लासेज आप साइमल्टेनियसली उसके बाद या उसके इवेंचुअली आप कर सकते हैं, ऐसे तो पूरे दिन क्लासेस चलती हैं। सो वी आई मीन दैट्स द ओनली वे यू कैन डू इट, ओके। सो बट आई मीन आई कांट हेल्प इन दैट, सो जो स्ट्रीम साथ साथ हो रही है तो फिर वो आपको आगे पीछे देखना पड़ेगा उसके अंदर, दैट वेज यू कैन डू, ठीक है। तो वीडियोज ऑन यूट्यूब आर अवेलेबल फॉर द एटर्निटी और अंटिल अनलेस दे आर डेलिबरेटली रिमूव्ड बाय द यू नो यूट्यूब और बाय द ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज दे आर प्रेजेंट ओवर देयर फॉर द एंटायर टाइम, तो आप तब आराम से देख सकते हैं, ओके। दैट इज ओनली हेल्प आई कैन डू फॉर यू, ओके।
चलिए मूविंग फर्दर, तो वुमेन फॉर ऑल्सो गिवन एजुकेशन, लेकिन ज्यादातर जो नारियों को जो शिक्षा दी जाती थी दैट वॉज गिवन इन डांस म्यूजिक पेंटिंग एंड मेडिसिन. मेडिसिन भी यहाँ पर मैं आपको डॉक्टरेट की बात नहीं कर रहा, आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिकल एजुकेशन. मेडिसिन यानी कि जो छोटे मोटे उपचार हुआ करते थे जिनको आज हम प्रोफाउंडली दादी और नानी के नुस्खे कहते हैं, उस तरह की चीजें, तो वो चीजें उनको ज्यादातर बताई जाती थी. बट वो भी फिर भी घर पे रखकर ही उनको शिक्षा दी जाती थी. और जो एजुकेटेड वुमेन थी उनका नंबर भी बहुत कम हुआ करता, देवर वेरी फ्यू, देवर नॉट मेनी वुमेन हु वर अलाउड टू अंडरगो एजुकेशन प्रोसेस और सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को दी जाती थी. ओके, सो ये एजुकेशन का सिस्टम था. इसके बाद लिटरेचर, लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन बन सकता है एंड ये एक मेजर पार्ट है आपके. तो अगर मेंस के अंदर आएगा तो ये आपको मेंस के अंदर आएगा तो आपको पूरा सबके बारे में हर उसके बारे में डिफाइन करना पड़ेगा. और अगर ये आपके सिर्फ प्री में आएगा तो फिर वो क्वेश्चंस की उसके लिए हम अलग से इसकी तैयारी करेंगे क्योंकि प्री का सिस्टम थोड़ा अलग चलता है. तो जो लिटरेचर जो मेंस के अंदर थी वो आपको इन्हीं चीज़ों में से लिख के आना पड़ेगा. मारवाड़ में क्या था, मेवाड़ में क्या था, जयपुर में क्या था और कोटा बूंदी वगैरह में कहाँ पर क्या क्या हो रहा था, तो उस तरह से दिया जाएगा. तो द मेडिवल ईरा वॉज मार्क्ड बाय कॉम्पोजिशन ऑफ मेनी टेक्स्ट इन डिंगल पिंगल एंड संस्कृत लैंग्वेजेस. डिंगल पिंगल राजस्थान की जो साहित्य की विधाएं हैं, आई मीन फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर इन राजस्थान, जिस तरह से ये यूज करी जाती हैं डिंगल और पिंगल लैंग्वेजेस, और संस्कृत के अंदर भी लिखे जाते थे बहुत सारे उपन्यास. और जो राजा महाराजा उस वक्त हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल उनका होता था आपके लिटरेचर बनाने में. तो वो जब आश्रय दिया करते थे आर्टिस्ट को या आपके स्कॉलर्स को, उसके बाद ही वो लोग लिखा करते थे क्योंकि लिटरेरी राइटर्स जो हुआ करते थे उनके पास और कोई साधन होता नहीं था आय का, तो पेट्रोनेज जब उनको मिलती थी उसी के बाद वो लिखा करते थे. तो वही चीज यहाँ पर मौजूद थी. तो दे यूज टू प्ले, दी रूलर्स यूज टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पेट्रोनाइजिंग देम. ओके, और कई राजा तो खुद ही बहुत अच्छे बहुत विद्वान हुआ करते थे हुए हैं जिन्होंने खुद ने अपने हिसाब से बहुत सारी किताबें लिखी हैं. कुंभा ने बहुत टेक्स्ट लिखे हैं आपके, आप लोगों को पता होगा कुंभा के बारे में अलग से, पूरा आर्ट एंड कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है कुंभा का तो अलग ही लेवल का है. उसके बाद आपके सवाई जयसिंह का राजस्थान के अंदर, ब्रजिंदी सवाई प्रताप सिंह का, और आपके मान सिंह का जो जोधपुर के थे, इन लोगों ने बहुत सारा इतिहास लेखन किया है, बहुत सारे इन्होंने आरी सिंह का हो गया, तो इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. तो मारवाड़ के बारे में बता देता हूँ आपको, मारवाड़ के जो राजा थे अजीत सिंह, ठीक है, जो आपके जसवंत सिंह के पुत्र थे, उन्होंने गुणसार, गज उद्धार और भाव विरही नाम की किताबें लिखी. उनके जो पोर्ट पोएट थे आपके भट्ट जगजीवन राम, ये ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं प्री के अंदर, उन्होंने अजीतोदय नाम की किताब लिखी थी. और इसके अलावा आपके द्वारकादास ददवाड़िया ने लिखी थी अजीत सिंगरी दवावैत, अजीत सिंह चरित्र बाय हरिदास भट्ट, तो ये सारी किताबें मारवाड़ के अजीत सिंह के टाइम पे लिखी गई थी. आप दो तीन एग्जांपल दे दोगे ना बहुत सफिशियंट हो जाएगा, उसके ज्यादा आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. अगर 100 में आता है तो आपको हर डायनेस्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो उसके अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका आंसर. तो बहुत ज्यादा आपको दो तीन आप याद रख लो हर डायनेस्टी के, तो वो मेंस के हिसाब से कंप्लीट हो जाता है उसका पार्ट आपका. और जो अभय सिंह थे मारवाड़ के, इसके बाद उनके जनजीवन नाम ने उस वक्त उनके लिए अभ्योदय लिखा था संस्कृत के अंदर. सूरज प्रकाश जो थे उन्होंने डिंगल के अंदर डिंगल भाषा में करंडी दान ने लिखी थी, ठीक है, सूरज प्रकाश, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये किताब आपसे प्री में ही पूछी हुई है सूरज प्रकाश वाली. फिर जो महाराजा विजय सिंह थे मारवाड़ के, उनके पोर्ट थे, उनके कोर्ट पोएट थे विशन सिंह, और विशन सिंह ने विजय विलास और वीटू ब्रह्मदास ने आपके भक्तमाला लिखी थी इन्हीं के टाइम पर. किनके टाइम पर? आपके महाराज विजय सिंह के टाइम पर भक्त माला लिखी थी आपके वीटू ब्रह्मदास ने, और विशन सिंह ने लिखी थी आपके विजय विलास. तो ये किताबें ध्यान रखिएगा. इसके बाद आपके आते हैं महाराजा मान सिंह. तो जो मारवाड़ के, उन्होंने नाथ संप्रदाय को बहुत ज़्यादा पेट्रनेज किया था, जलंधर नाथ को अपना गुरु बनाया था. तो वो मैंने मारवाड़ के अंदर जब हिस्ट्री पढ़ा रहा था आपको, तो सारी चीज़ें मैंने वहाँ समझाई थी मारवाड़ की हिस्ट्री के अंदर. तो नाथ चरित्र इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने लिखी थी, नाथ संप्रदाय को बहुत ज़्यादा मानते थे, अपना कुलगुरु बनाया था उन्होंने जलंधर नाथ को, जो मंदिर जिन्होंने इनको राज्य दिलवाया था आपके महाराजा मान सिंह को, ठीक है. तो ये था. फिर नाथ चरित्र लिखी थी, कृष्ण विलास लिखी थी इन्होंने, जलंधर चरित्र, ये तीनों किताबें आपके महाराजा मान सिंह ने खुद ने लिखी थी, स्वयं ने लिखी थी, नाथ चरित्र, कृष्ण विलास और जलंधर चरित्र. और ही वॉज वेल वर्स विथ संस्कृत डिंगल पिंगल पर्शियन, सारी लैंग्वेज की ज्ञाता थे आपके महाराजा मान सिंह, तो आप जानते हैं बहुत विद्वान आदमी थे, ठीक है. इनके कोर्ट पर थे बाकी दास, जिसने मान जसो मंडन नामक किताब लिखी थी. तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी दास रोट मान जसो मंडन, तो ये किताब भी आपसे पूछी जा सकती है मेंस के अंदर, ठीक है. तो ये आपके क्योंकि और ये इनका नाम भी पूछा जा सकता है बाकी दास का, महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे. ये क्वेश्चन बहुत बनने लग गया आजकल आ रहे हैं इसके अंदर, दरबारी कवि कौन, कल्चर से रिलेटेड रहना तो इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके बाद आपके आती है मेवाड़ की, जो तो मेवाड़ के अंदर मंगल सूरी नाम के जो राइटर थे उन्होंने लिखी थी अमर नृप काव्य रत्नम, ठीक है, अमर नृप काव्य रत्नम, ये इस तरह से लिखेंगे, अमर नृप यानी कि राजा, ठीक है. तो अमर नृप काव्य रत्नम, ये इस तरह का उन्होंने लिखी थी, महाराणा अमर सिंह के टाइम पर लिखी थी, अमर सिंह सेकंड के टाइम पर. नंदराम जो थे उन्होंने जगत विलास लिखी थी आपके महाराणा जगत सिंह के टाइम पर. महाराणा हरि सिंह ने खुद ने रसिक चमन नाम की किताब लिखी थी,
और इनके दरबारी कवि थे प्रयागराज, जिन्होंने कपाड़ कौतूहल लिखा था आपके, ठीक है, कपाड़ कौतूहल, ये नाम ये किताब लिखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है आपके, तो ये आपके लिखी थी महाराणा हरि सिंह के टाइम पर प्रयागराज ने। फिर आपके चारण कवि थे आड़ा कृष्णा, जिन्होंने भीम विलास नामक किताब लिखी थी, महाराणा भीम महाराणा भीम सिंह, ये भीम सिंह होना चाहिए, भीम विलास नहीं होना चाहिए, भीम सिंह, ठीक है, द्विनिधि लोग महाराजा भीम सिंह, तो इनके नाम ये वही भीम सिंह जिनकी जिनकी पुत्री थी कृष्ण कुमारी, जिनका शादी का इशू हुआ था आपके जयपुर में और जोधपुर के अंदर लड़ाई वगैरह झगड़ा हुआ था, देवारी समझौता हुआ था उसके बाद में, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद बीकानेर, बीकानेर के अंदर जो थे वो जो महाराजा जोरावर सिंह थे, उन्होंने खुद ने वैद कसार नामक किताब लिखी थी, वैद कसार, ठीक है, तो ये वैद कसार नामक किताब उन्होंने लिखी थी संस्कृत के अंदर, और पूजा पद्धति ये भी लिखी थी, दोनों किताबें उन्होंने लिखी थी। इन्होंने कमेंट्री भी लिखी थी रसिक प्रिया के ऊपर और कवि प्रिया, कमेंट्री मतलब होता है टीका, तो जो आपने टीका सुनते हैं ना, सूर प्रबंध का टीका या गीत गोविंद का टीका जो आपके उसने लिखा था, क्या नाम है, कुंभा ने, तो ये टीका आपके वही चीज़ है, ठीक है, इसको कमेंट्री कहते हैं। तो ये आपके रसिक प्रिया और कवि प्रिया ने लिखी, कवि प्रिया दोनों भी लिखी थी उन्होंने। इसके अलावा जो यहाँ के इस वक्त के जो टेक्स्ट थे किताबें थी वो थी आपके ग्रंथराज, जो गोपीनाथ गार्डन ने लिखी थी, ठीक है, ये सारे चारण पोएट थे आपके, ठीक है, गार्डन, बीटू, आड़ा और ये सारे इस लोग सारे चारण पोएट थे, ठीक, कल बताया था मैंने। फिर गत सिंह रूपक लिखी थी आपके सिडायाच फतेह नाम ने, सिडायाच ये भी चारण पोएट थे, ठीक है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा गत सिंह, ठीक है, तो ये आपके सारे ग्लोर जाते हैं। इसके बाद आपके जैसलमेर, जैसलमेर में खास तौर से जैनिज्म का बहुत प्रभाव रहा था, ठीक है, तो जैसलमेर के आश्रय भी, जैनिज्म को बहुत ज्यादा आश्रय भी दिया जैसलमेर के राजाओं ने, तो जैनिज्म का बहुत प्रभाव था। ऐसे जैन मुनि थे एक अमर विजय, जिन्होंने लिखी थी जैसलमेर स्तवन, ये किताब लिखी थी, और दूसरे मुनि थे इनके कवि धर्मवर्धन, जैन मुनि थे ये भी, इन्होंने लिखी थी जैसलमेर पारशुद्ध स्तवन, ठीक है, तो ये आपको चीजें बताता है कि जैनिज्म का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस था, राज्य की ये इन्फ्लुएंस दिया हुआ, राजकीय आश्रय दिया हुआ, तो राज्याश्रय दिया था मतलब, ठीक है। भरतपुर में जो सूरजमल थे वो उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को या बहुत सारे साहित्यकारों को बहुत उन्होंने क्या कहते हैं पेट्रनेज दिया हुआ था उनको, बहुत उनके अपने आश्रय के अंदर रख रखा था। तो ऐसे उनके कवि थे, उनके टाइम पे कवि थे कवि सुदान, तो कवि सुदान ने एक सूजन चरित नाम की किताब लिखी थी, ठीक है। फिर कलानिधि थे, उन्होंने उपनिषद सार, श्रृंगार, मधुमाधुरी इस तरह की किताबें लिखी थी कलानिधि ने, और इन्होंने ही कलानिधि ने रामायण का भी ट्रांसलेशन किया था हिंदी में, पहले वो ब्रज भाषा में थी, तो रामायण का ट्रांसलेशन हिंदी में कलानिधि ने ही किया था, ठीक है। इसके बाद बूंदी के जो कवि श्रेष्ठ थे आपके सूर्यमल मिश्र, राजस्थान के कवि श्रेष्ठ इनफैक्ट, ठीक है, दी किंग अमंग ऑल पोएट, ठीक है, तो उनको कवि श्रेष्ठ सूर्यमल ने मिशन ने वंश भास्कर इसी टाइम पे लिखी थी, ठीक है, उदयपुर बूंदी के अंदर रहते, बूंदी के राज्य कवि रहते हुए। इसके बाद आपके अलवर के अंदर, तो अलवर के अंदर जो चरणदास संप्रदाय था उसकी जो डिसाइपल्स थी सहजोबाई और दयाबाई, इन्होंने बहुत सारे श्लोकों को कंपाइल किया था जो आपके उस वक्त के तत्कालीन जो राजस्थान भक्ति जो ट्रेडिशन था, जो भक्ति जो धर्म के प्रसार प्रसार हो रहा था उसके हिसाब से जानकारी यहाँ से आपको मिलती है, ठीक है। हाय सुमित, तो ये आपके अलवर के अंदर थे। इसके अलावा जिस जोधराज की हम बात करें, इसने हमीर रासो लिखा था, 1000 श्लोक लिखी थी हमीर रासो की, जिसमें हमीर माद मर्दन की तरह की जो कहानी है उस तरह से आपके हमीर को कैसे मारा जाता है, जो राणा हमीर की बात हो रही है उदयपुर वाले मेवाड़ वाले, ठीक है, तो उनकी बात हो रही है, तो वो जोधराज भी इनकी पैदाइश भी आपके अलवर की है, तो बहुत ही रिच डायनेस्टी रही थी आपके जो कल्चर आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर के अंदर राजस्थान की। इसके अलावा थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ मैं जयपुर का, आप जयपुर के जो सवाई जय सिंह थे वो खुद ही बहुत जाने माने दिग्गज एक कवि थे और एक स्कॉलर भी थे जिनको संस्कृत के बारे में और पर्शियन अरबिक के अंदर बारे में डीप नॉलेज थी, तो उन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेट भी करी हैं बुक्स आपकी अरबिक से संस्कृत के अंदर, ठीक है, और बहुत बहुत ज़्यादा ज्ञानी तरह के एक राजा रहे हैं ये। इन्होंने जीज मोहम्मद शाही किताब लिखी थी जो आपके सारणी है, यानी टेबल टैबुलेशन है आपके स्टार्स एंड प्लैनेट्स का, तो जो आपके सर आई एम एन ओल्ड स्टूडेंट विल यू नो मी सुमित, हाँ याद सुमित आप आया करते थे, आई रिमेंबर यू, डोंट वरी, ओके। सो तो ये इन्होंने आपके स्टार्स और प्लैनेट्स यानी कि नक्षत्रों पे और सितारों के बारे में जो जानकारी लिखी थी, एक तरह से एक एस्ट्रोनॉमिकल एक बुक रखी है इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी आपको मैंने राजस्थान की जब कछावा वंश पढ़ा रहा था उसके टाइम पे भी बताया था आपको मैंने मोहम्मद शाही का, ठीक है। इसके बाद उन्होंने किताब लिखी थी जयसिंह कारिका जो एस्ट्रोलॉजी पे ज्योतिष पे बेस्ड है, ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। इन्होंने जंतर मंत्र वगैरह बनवाया था, 5 जगहों पर बनवाया था, जयपुर में बनवाया था, उज्जैन में, वाराणसी के अंदर, मथुरा के अंदर, तो इस तरह से इन्होंने बहुत ध्यान था इनको, इस बारे में बहुत नॉलेज थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ग्रहों की चाल के बारे में, खुद बहुत किताब लिखी है इन्होंने इसके लिए, ठीक है। और इनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे रत्नाकर पुंडरिक, जिसने आपकी जय सिंह कल्पदुम नामक किताब लिखी थी, ठीक है, तो जय सिंह कल्पदुम लिखी थी आपके रत्नाकर पुंडरिक ने। अब आपके सवाई ईश्वरी सिंह का जो समय आया था उस वक्त कृष्ण भट्ट ने वहां पर ईश्वर विलास महाकाव्यम लिखी थी,
शिवाई ईश्वरी सिंह जिनकी हत्या, जो बाद में आत्महत्या कर लेते हैं या मराठे उसके उनके ऊपर अटैक कर 1748 में आत्महत्या कर लेते हैं, तो उन्हीं सवाई ईश्वरी सिंह की बात हो रही है। कृष्ण भट्ट के ने इनके समय पर ईश्वर विलास महाकाव्य नामक किताब लिखी थी। इसी तरह आपके सवाई माधो सिंह जो इसके इनके बाद राजा बने थे, इनके भाई थे दूसरे और सवाई जय सिंह के पुत्र थे, तो सवाई जय सिंह ने ईश्वर सिंह को बना दिया था। आपको मैंने बताया था देवारी समझौते के अंतर्गत बनाना माधो सिंह को चाहिए था, लेकिन अपनी पत्नी के प्रेम में आकर उन्होंने ईश्वर सिंह को राजा बना दिया था। फिर आपस में लड़ाई वगैरह हुई थी, फिर माधो सिंह बाद में ईश्वर सिंह के मरने के बाद राजा बने थे, मराठों के मदद से राजा बने थे माधो सिंह, मराठों के मल्हार होलकर को मामा बोला करते थे, सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, सुमित, ये राजस्थान की जो मेडिवल हिस्ट्री है वो सारा है इसके अंदर। मेडिवल जो कल्चर था पूरा आपका, इकोनॉमिक लाइफ या सोशल लाइफ, आज कल्चरल लाइफ कर रहे हैं, कल हम इकोनॉमिक लाइफ करेंगे, इससे पहले मैं सोशल लाइफ कर चुका हूँ पूरी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे उसमें बताई है मैंने उस फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब आपके आते हैं सवाई प्रताप सिंह। तो सवाई प्रताप, अच्छा हाँ सॉरी, द्वारकानाथ भट्ट ने आपके गलवा गीत नामक किताब लिखी थी माधो सिंह के समय पे। फिर आते हैं सवाई प्रताप सिंह, ये ब्रजनिधि के नाम से लिखा करते थे किताब, ब्रजनिधि इनका पेन नेम था। ठीक है, जैसे ना रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत निराला, इस तरह निराला और ये दिनकर, ऐसे राहत इंदौरी वगैरह, इन सबके जो एक, एक एक नाम हुआ करता था ना, तो वो एक पेन नेम था इनका ब्रजनिधि, जो सवाई प्रताप सिंह कॉमा में लिखते थे ब्रजनिधि इस तरह से। ठीक है, तो ब्रजनिधि के नाम से किताबें, बहुत कविताएं और कहानियां लिखी इन्होंने, और इनकी जो कविताओं का कलेक्शन है उसको कहा जाता है ब्रजनिधि ग्रंथावली। ठीक है, तो ब्रजनिधि ग्रंथावली इनकी कविताओं का कलेक्शन है। खासतौर से राजस्थान में एक म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया था, उस फेस्टिवल को खत्म होने के बाद उन्होंने एक पूरे अपने जो पोएम्स वगैरह थी उसका एक पूरा एक संग्रह निकाला है ब्रजनिधि ग्रंथावली के अंदर। ठीक है, और इनके राज परिवार में 22 स्कॉलर्स और लिटरेचर यानी साहित्यकारों की और विद्वानों की एक समूह रहता था इनके राज परिवार, इनके दरबार के अंदर। ठीक है, जिनको एक गंधर्व वाइसी कहा करते थे, तो गंधर्व वाइसी पे ध्यान रखिए प्रताप सिंह से रिलेटेड, तो गंधर्व वाइसी इनके 22 बहुत ज्यादा एक उच्च कोटि के विद्वान और साहित्यकारों का ग्रुप हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं इनके दरबारी कवि थे मनीराम। तो मनीराम ने आपके बिहारी सतसई जो एक बहुत फेमस किताब थी, जयसिंह के टाइम पे कवि बिहारी ने लिखी थी, महाकवि बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी थी। कर कहते हैं कि बिहारी ने जो भी एक दोहा लिखा जयसिंह ने, उसको हर दोहे के लिए एक सोने का सिक्का दिया था। ठीक है, तो ये चीज इसके बिहारी सतसई के बारे में कही जाती है। तो बिहारी सतसई लिखी थी आपके, इसके ऊपर टीका लिखा था मनीराम ने। ठीक है, जिसका नाम था प्रताप चंद्रिका, तो उस टीके का नाम प्रताप चंद्रिका था। और गुमानी राम नामक जो एक इनका दरबारी कवि था, उसने आईने अकबरी का अनुवाद किया था ढूंढाड़ी के अंदर, तो फारसी पर्शियन से इसका अनुवाद ढूंढाड़ी में किया गया था। ठीक है, इसके बाद आपके उस वक्त आपकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंडिपेंडेंट बनता है। ठीक है, 5 नंबर में ज्यादा बनने के चांस है, पर 10 में भी आ सकता है। तो रिलीजियस लाइफ के ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट नोट है ये। ठीक है, तो वैदिक धर्म उस समय बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट था, तो वैदिक धर्म वॉज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दी मिडिवल ईरा। और भी जो पुराने उस समय जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलीजन जो हुआ करते थे वो थे आपके शैविज्म, शिव का, शाक्त यानी शक्ति के उपासक जो हुआ करते थे, और आपके वैष्णव धर्म के। ठीक है, तो आपके शक्ति के, शिव के और वैष्णव धर्म के उपासक उस वक्त मौजूद थे। और मेवाड़ के अंदर खास तौर से आपके शैव मत के बहुत ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स थे, तो वहां पर जैसे लकुलीश हैं, पशुपत हैं, लिंगायत हैं, ये सारे शिव के नाम है अलग अलग। ठीक है, अलग अलग फॉर्म है शिव की, लकुलीश के अंदर दंड लेके खड़े हुए हैं वो। ठीक है, पशुपत में जानवरों के पास बैठे हुए, लिंगायत में योगी की भूमिका के अंदर बैठे हुए, योगी की तरह से वो कर रहे हैं। तो ये सारे शिव के अलग अलग रूप हैं, उनके नाम पे जो धर्म शुरू हुए थे, या जो सेक्ट, जो धर्म तो नहीं, जो सबसेक्ट शुरू हुए थे शैविज्म के अंदर, वो ये थे। इनके बहुत फॉलोअर्स थे मेवाड़ के आसपास, और इनके नाम पर कई राजस्थान में कई रीजन्स के अंदर अलग अलग जगहों पर मंदिर और इस तरह की वो बनी हुई है, इनकी क्या कहते हैं छतरियाँ और मंदिर बहुत बने हुए शिव के, शैव मत के जो फॉलोअर्स थे उनके। और जो महाराजा मानसिंह जिनकी मैंने पहले भी बात की थी मारवाड़ के, उन्होंने तो नाथ संप्रदाय जो शैव संप्रदाय का एक सब पार्ट मान सकते हो आप, तो नाथ संप्रदाय को बहुत ज्यादा पेट्रनेज दे रखा था, यानी कि उनको राजधर्म तरह से काम करा करता था उस वक्त वो, और खुद भी बहुत बड़े फॉलोअर थे आपके नाथ संप्रदाय के, ये आपके जलंधर नाथ बाबा के महाराजा मानसिंह। ठीक है, इनके लिए इन्होंने मंदिर बनाया था आपका, माननाथी संप्रदाय जो शुरू किया था इन्होंने। फिर बाद में इनके भाई, इनके मरने के बाद जो उदयनाथ थे उनके लिए मंदिर बनवाया था उन्होंने दूसरा, तो ये बहुत फेमस था इनका नाथ संप्रदाय के बाद, बहुत ज्यादा लगाव है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दुर्गा, चंडिका, अम्बा, लक्ष्मी, काली, इस तरह देवियों की अलग अलग रूपों की वर्षा, उनकी पूजा होती थी अलग अलग फॉर्म की, अलग अलग रूप की। ठीक है, और जैसे, और उस वक्त जैसे राजस्थान के अंदर जैसे बाण माता है जो आपके कुल देवी थी मेवाड़ की, ऐसे करणी माता आपके बीकानेर की कुल देवी थी, नागणेजी माता आपके जोधपुर की कुल देवी थी, अन्नपूर्णा माता आपके जयपुर की कुल देवी थी। ठीक है, और आपके शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी थी, इस तरह के ये हम फोक ड्यूटीज में करेंगे, तो लेकिन पर यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया कंप्लीट करने के लिए आंसर फॉर्म में तो मैंने आपको बताया, तो ये आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नाथद्वारा और काकरोली जो थे, ये दोनों जो जगह थी, ये मेजर सेंटर्स थे वैष्णव धर्म के,
तो सबसे ज्यादा वैष्णव धर्म का प्रसार प्रसार नाथद्वारा में हुआ। यहाँ पे आपको याद होगा मैंने बताया था राज सिंह ने औरंगजेब के टाइम पर जब जो गोस्वामी जो महाराज थे आपके जो क्या नाम है इनके श्रीनाथ जी की जो जो विरुद्ध था जो विग्रह था सॉरी श्रीनाथ जी का विग्रह लेकर आए थे भागते छुपकर औरंगजेब से जब वो मंदिर तोड़ने में लगा हुआ था औरंगजेब तो नाथद्वार के अंदर जगह देकर उनको स्थापित करवाया था श्रीनाथ जी का मंदिर। ऐसे काकरौली के अंदर आपके आपके एकलिंग जी का मंदिर है बहुत फेमस है वो भी शिव पाशुपतिनाथ का एक वो है फॉर्म है शिव का। तो वो मेजर सेंटर्स जो थे वैष्णव धर्म के सेंटर्स भी थे ठीक है। मोस्टली प्रोपगेटेड बाय पुष्टि मार्गीय सेल तो पुष्टि मार्गीय ब्राह्मण थे उनके द्वारा खास तौर से आपके नाथ द्वारा के अंदर या वैष्णव धर्म को प्रपाउंडेड किया बढ़ावा दिया जाता था। मारवाड़ा के जो राजा थे महाराजा विजय सिंह उन्होंने वल्लभ संप्रदाय को बहुत ज्यादा संरक्षण दे रखा था पेटरनेस वल्लभ संप्रदाय ठीक है। और किशनगढ़ और कोटा के जो राजे महाराजा थे वो ज्यादातर इन्फ्लुएंस थे आपके वैष्णव धर्म से ठीक है। जो विष्णु वाला धर्म है जो वैष्णव जो हम भगवदगीता और इस तरह का भागवत भी जो हम देखते वो सर आपका वैष्णव धर्म का पार्ट हो जाता है ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके ये आपका वल्लभ संप्रदाय ठीक है। इसके बाद आपके आता है यहाँ पे जो राजस्थान के जो लोग थे वो आपके सूर्य की गणेश की हनुमान भैरव इन सबकी पूजा बहुत करा करते थे ठीक है। तो ये सूर्य को जल चढ़ाना या जल तर्पण करना गणेश की पूजा करना हनुमान की पूजा करना भैरव जो जो एक तरह से फोक डीटी है एक पूरे सेक्ट का देवता ज्यादातर इनकी इनका जो मंदिर होता है वो गांव के बाहर होता है ठीक है। तो वो भैरव मंदिर के वो मंदिर एस्टैब्लिश किए गए थे और इनकी इन सबकी पूजा बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और जो लोग थे वो ज्यादातर इंटरेस्टेड रहते थे आपके अलग अलग तरह कर्मकांड कराने में। तो कर्मकांड कराने में या तीर्थ यात्राओं पर पिलग्रिमेजेस के ऊपर जाने के अंदर बहुत ज्यादा इनका टाइम इन्वॉल्व होता था बहुत ज्यादा पैसे में ज्यादा इन्वॉल्व होता था। तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे ऐसा नहीं है कि एकदम रैंडमली ही ये बहुत ज्यादा मतलब एक एरोगेंस वगैरह नहीं थी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। और कई फेस्टिवल जैसे कि आपके नवरात्रि हो गया रामनवमी हो गया दशहरा हो गया गणेश चतुर्थी हो गया बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। और राज्य के अंदर बहुत ज्यादा इनके जैसे रामनवमी का दशहरे का आपके क्या कहते हैं गणेश चतुर्थी का सबके मेले ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे ठीक है। अब जो वैश्य कम्युनिटी थी राजस्थान में वो ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड थी आपके जैनिज्म के आसपास ठीक है। जैनिज्म का जो मंदिर है जो जैनिज्म जो धर्म है उसके अंदर ज्यादातर आपके वैश्य कम्युनिटी जो महाजन लोग थे वो बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे आपके। और द रूलर्स वर टॉलरेंट एंड इवन जैन टेम्पल्स वर गिवन ग्रांट्स। तो उस तत्कालीन समय के अंदर जो राजा वगैरह हुआ करते थे राजा महाराजा वो सभी धर्मों के लिए सर्वधर्म संभाव या आपका एक तरह से एक सहिष्णुता वाला अप्रोच रखा करते टॉलरेंट रहते थे उनके लिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म को ही जागीरें या आपके दान के अंदर आपको दिया जाता जैन धर्म के मंदिरों को भी संरक्षण के लिए जैसे कि राजू थोड़ा सा बांसवाड़ा के आसपास के अंदर जो रीजन है वहां पर आपको वैष्णव धर्म थोड़ा सा आपका बुद्ध धर्म थोड़ा सा बढ़ा था तो उस वक्त वहां पर के राजा वहां पर भी उन लोगों को काफी मॉनेटरी गेन्स या ग्रांट्स दी थी। और जो मेन सेंटर्स थे आपके जैन धर्म के वो थे आपके जैसलमेर नाडोल आमेर रणकपुर दिलवाड़ा वाला आबू सिरोही तो ये सारे इनके मेजर सेंटर्स थे जैनिज्म के ठीक है। हाँ और खतरगच्छ तपागच्छ लुकागच्छ ये सारी कम्युनिटीज थी जो ज्यादातर जैन सेक्ट्स थे जैन कम्युनिटीज थी वो बहुत ज्यादा फेमस थे उस वक्त और बहुत ज्यादा इनका कंट्रोल था या इनका प्रेजेंस था इन एरियाज के अंदर जैसलमेर नाडोल आमेर रणकपुर आबू सिरोही इन जगहों पर। इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है पोजीशन आती है वो आपके आती है लोक देवी देवताओं की ठीक है। जो फोक डीटीज हुआ करते थे तो लोक देवी देवताओं का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था लोगों के जीवन के अंदर। तो इन लोगों से लोक देवी देवताओं से एक तरह से इनका एक इमोशनल कनेक्ट भी था और एक मेंटल कनेक्ट भी हुआ करता था क्योंकि देखिए जो ज्यादातर ये जो लोक देवी देवता बने हैं वो जो फाइनल सब डिविजन था कास्ट का ठीक है। वो जो जिसके अंदर जो लोअरेस्ट क्लास हुआ करती थी वो लोग या फिर जो आपके जो अवॉइडेड थे जो डिप्राइव थे उन लोगों को फोक देवी देवताओं को अपना क्या कहते हैं वो भगवान बनाया था एक तरह से ये कह लीजिए। तो उनके अंदर ऐसे गोगा जी तेजा जी पाबू जी मल्लीनाथ जी हड़बू जी आपके क्या कहते हैं ये देवनारायण जी ये सारे जो देवता हुआ थे लोग लोग देवी देवताओं के वो थे एग्जाम्पल ठीक है। तो इनका बहुत ज्यादा मान्यता थी राजस्थान के खासतौर से रूरल राजस्थान के अंदर। और जो इनकी टीचिंग्स थी इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा करता था लोगों की साइकी के ऊपर। तो लोगों का जो थिंकिंग प्रोसेस है जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है या जो उनका रिलेशन है भगवान के साथ उसके ऊपर बहुत सारा इफेक्ट बहुत डीप इंपैक्ट पड़ता था इन सारे फोक डिटीज की टीचिंग्स के ठीक है। ऐसे ही आपके कई सारे इनकी मेमोरी में कई सारे आपके कहते हैं मेले ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे जैसे आपके पापू जी का गोगा जी का आपके जैसलमेर के अंदर पापू जी का मल्लीनाथ जी का पशु मेला वगैरह इस तरह के बहुत सारे मेले वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे। और कबीर मीरा दादू इन सब के दोहे छोटे छोटे जो कविताएं होती थी उनको भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती थी लोगों के थॉट्स को।
तो ये थैंक यू ज्योति. मीना, बीके मीना जी, आरएएस का न्यू बैच कब स्टार्ट होगा? नया बैच इन दी सेंस मतलब आप, आई एम नॉट गेटिंग. तो आरएएस का जो नया बैच है अभी प्लस पे चल रहा है, मैं प्लस पे आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे. तो अभी इसके बाद अब नया बैच शुरू करूंगा, मैं नए टॉपिक से शुरू करूंगा. ये इवेंचुअली मैं यूट्यूब पे सिर्फ इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम में राजस्थान में चीज़ें मिलती नहीं है किसी को, यूजुअली होती नहीं है अवेलेबल. तो ये इसीलिए मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ. ओके चलिए. सो अजमेर वॉज द मेन सेंटर ऑफ इस्लाम. सॉरी, कबीर, मीरा और दादू, इनके जो टीचिंग्स हुआ करती थी, दादूपंथी वाणियाँ इनकी, या जो मीरा के दोहे होते थे, जो कबीर के दोहे होते थे, मीरा के भजन होते थे, सॉरी कबीर के दोहे, मीना के, मीरा के भजन और दादू वाणियाँ, तो इन सब का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था. इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम लोक देवी देते हैं, फोक डीपीज और फोक सेक्स वाले जो पार्ट पढ़ेंगे, तो वो हम इनको तब पढ़ेंगे जब राजस्थान कल्चर का पार्ट है वो. तो हिस्ट्री वाले ये जो पार्ट सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम कल्चर शुरू करेंगे. ठीक है, तो उसमें हम इनको चीज़ों को पढ़ेंगे. ओके, सो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा. और देर इन्फ्लुएंस थ्रू मैनी थ्रू देर टीचिंग्स, तो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे ये लोग. इसी तरह जो आपके इस्लाम धर्म था, उसका जो मेन सेंटर था वो आपके अजमेर से था शुरू से ही. जब से आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड आ रहा था, उसके बाद से काफ़ी समय तक, करीब 7-8 सालों तक यहाँ पर इस्लाम बहुत तरीके से पैर जमाए थे. उसके बाद ही फ्लरिश हुआ था सब जगह बाकी रीजन्स के अंदर. तो जालौर, नागौर, चित्तौड़, ये सारे जो रीजन्स थे, इन सब के अंदर इवेंचुअली अजमेर से इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ था. और इनके बहुत सारे ओर्स और बहुत सारे मेले, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वो ऑर्गेनाइज किए जाते थे. और उन मेलों के अंदर सभी तरह के लोगों का बहुत ज़्यादा धार्मिक सौहार्द बहुत ज़्यादा बना रहता था. तो इनिशियली जो धर्म, जो इस्लाम के अंदर जो धर्म लोगों ने जिन्होंने अपनाया था, वो कन्वर्जन से हुए थे. और बहुत डरा धमका का कन्वर्जन किया गया था डर के बल पे, औरंगजेब के टाइम पे, अकबर के टाइम पे, आपके शाहजहां, सब लोगों के टाइम पे, इन लोगों के टाइम पर बहुत डरा धमका कर ये धर्म को, धर्म परिवर्तन करवाया गया था. लेकिन इवेंचुअली इस्लाम एंड हिंदुइज्म कोएग्जिस्टेड पीसफुली. फिर काफ़ी लंबे समय तक इस्लाम और आपके हिंदुइज्म के अंदर बहुत कोएग्जिस्टेंस रही है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रही है, तो चलती रही. ठीक है, कई मेलों के अंदर आज भी धार्मिक सौहार्द के तौर पे हिंदू भी लोग जाते हैं उसमें, मुसलमान भी, कई त्यौहार, कई जगह पर त्यौहार भी मनाए जाते हैं. तो जो एक म्यूचुअल डिस्कॉर्ड था, जो डिसहारमनी थी, वो बहुत तरह से दूर करी गई. ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी. तो ये ध्यान रखिएगा इनको, ये आंसर को. ठीक है, तो अजमेर का, ये अजमेर का आपको मैंने बता दिया सारा. तो ये आज का रिलीजियस लाइफ तक का ये टॉपिक तो इतना ही खत्म हो जाता है. अब कल हम करेंगे इनकी इकोनॉमिक लाइफ, तो ये ध्यान रखिए. तो ये आज की जो क्लास थी आज यहीं खत्म होती है. एंड ये मेरा जो टेलीग्राम लिंक है, इसके ऊपर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप वगैरह, आप इस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल एक क्लास होने वाली है 5:30 से 7:30. ठीक है, तो 7:30 ऑन प्लस, तो ये प्लस पे सबके लिए फ्री क्लास होगी. आप लोगों सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद आप इस क्लास को देख सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट लेकर आया हूँ. क्वेश्चन प्लस आंसर्स आपके लिए वो रहेंगे सारे एमसीक्यूज टाइप के अंदर. ठीक है, ऑन राजपूताना डायनेस्टीज, तो जो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उन सबको, चीज़ों को इंक्लूड कर आपको ये मैं प्रिपेयर करवाऊंगा. ठीक है, और कल की ये होगी 5:30 बजे, और कल 4 से 5 की रेगुलर क्लास तो है ही जो हमारी होने वाली है. तो इस क्लास को भी ध्यान रखिएगा और उस क्लास को भी ध्यान रखिएगा. कल मैं इकोनॉमिक लाइफ भी पूरी करवा दूंगा आपको, तो फिर मेडिवल राजस्थान का जितना पार्ट है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा. थैंक्स सो मच धोनी, थैंक्स फॉर दी ज्योति, थैंक्स फॉर दी अप्रिशिएशन. चलिए, और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रेट करें, रिकमेंड करें, वट एवर यू फील लाइक प्लीज डू दैट. डिसलाइक भी कर सकते हैं, मेंशन योर कमेंट्स, वट एवर यू वांट टू अंडरस्टैंड. और भी कुछ चीज़ें चाहते हैं जो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो प्लीज़ वो कमेंट्स में मेंशन करिए, ताकि मैं, आप मुझे मैसेज भी छोड़ सकते हैं मेरे नंबर पर, ताकि आपको कुछ और जो डेटा चाहिए वो मैं आपको दे सकूं. और प्लस पे जुड़िए, ताकि आपके जो मेंस के जो टॉपिक्स हैं बाकी, जैसे कि आपके एथिक्स है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या मैनेजमेंट है, सब कुछ इंग्लिश मीडियम के अंदर, या इकोनॉमिक्स है, वो सारे बिहेवियर, एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग इन इंग्लिश मीडियम. तो वो वहाँ पर आप मुझसे आकर पढ़ सकते हैं प्लस के ऊपर जो क्लासेस चलेंगी. उसके लिए आपको मेरा कोड 10VS यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, इसके बाद मैं सब कुछ सभी को पर्सनली जो नोट्स हैं वो वर्ड फॉर्मेट में भी देता हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा. तो ये आप सब लोग मुझसे प्लस पे मिल सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. तो सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मेरी क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें. एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी आंसरिंग ASAP. अगर मैं बिजी भी रहा तो भी, जैसे आई विल गेट टाइम, आई विल बी कॉन्टैक्टिंग ईच वन ऑफ यू हु वॉन्ट्स एनी गाइडेंस और एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मी. तो कल शाम तक के लिए मिलते हैं, एंड कल शाम को 4 o'clock, ध्यान रखिएगा तब तक के लिए अपना, एंड सायोनारा.